गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 के संस्कृत के सुभाषितानी पाठ के पाँचवें, छठे और सातवें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पाँचवा है, विहाय पौरुषम यो ही देव मेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनी तिष्ठति वायसः। अर्थात विहाय छोड़कर पौरुषम कर्म को, यो ही जो केवल, देव का अर्थ होता है भाग्य का ही सहारा लेते हैं, अवलंबते सहारा लेते हैं, जो कर्म को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेते हैं, उनकी स्थिति प्रासाद सिंहवत, प्रासाद का मतलब है महल में, सिंहवत सिंह के समान होती है, महल में सिंह के समान होती है, तस्य उसके उनके मूर्धनी सिर पर तिष्ठन्ति बैठते हैं वायसा कौए, जिनके सिर पर केवल कौए ही बैठते हैं। अर्थात कर्म को छोड़कर के केवल भाग्य का सहारा लेने वाले महलों में सिंह की मूर्ति सिंह के समान होते हैं, जिनके सिर पर केवल कौए बैठते हैं। छठा है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभि धन्या महिरूरहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अर्थात पुष्प, महिरुहा होते हैं वृक्ष, वृक्षों के पास क्या क्या होते हैं, किस किस से धन्य होते हैं, पूर्ण होते हैं, पुष्प पत्र पत्ते फल छाया मूल जड़ वलकल छाल दारुभि लकड़ी। अर्थात वृक्ष जो है पुष्प पत्र फल छाया मूल छाल और लकड़ी आदि से युक्त होते हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि ये शाम जिनके जिनसे विमुखम विमुख होकर के निराश होकर के ना यान्ति यान्ति ना नहीं जाते हैं अर्थिना याचक। अर्थात पुष्प पत्ते फल छाया मूल वलकल और लकड़ी से युक्त वृक्ष धन्य हैं, जिनसे विमुख होकर के याचक नहीं जाते हैं। सातवां है, चिंतनिया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया विपदाम आदावे विपदाओं के आने से पहले ही प्रतिक्रिया उसका उपाय चिंतनिया सोच लेना चाहिए, विपदाओं के आने से पहले ही उनका उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहे वहिन्ना घर में अग्नि, वहिन्ना अग्नि के प्रदीप्ते प्रज्वलित हो जाने पर, घर में अग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर युक्तम उचित नहीं है ना उपखननम, कुएं का खोदना उचित नहीं है। अर्थात घर में आग लग जाने पर जैसे कुएं का खोदना उचित नहीं है, उसी प्रकार विपदाओं के आने पर समाधान सोचना उचित नहीं है। हर समस्या का समाधान हमें पहले से ही सोचकर रखना चाहिए। धन्यवाद।